तो बाबा इंटरनेट पे टाइम मैनेजमेंट के कई सारे वीडियोस और कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे कहते हैं स्केड्यूल करो टास्क को, अर्जेंट नॉन अर्जेंट इंपॉर्टेंट इन सब में डिवाइड करो, और ऐसे कई सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताते हैं। और फिर जब अपन इनको अप्लाई करते तो देखते यार 4-5 दिन के से ज़्यादा ना अपन इनको अप्लाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि यार अपने कॉलेज का एनवायरमेंट इतना ज़्यादा रैंडम होता है, कभी असाइनमेंट के डेडलाइन तो कभी प्रेजेंटेशन, कभी वाइवा, कभी मिड टर्म एग्जाम, एंड टर्म एग्जाम, प्रैक्टिकल, सोसाइटी मीटिंग, इवेंट्स, कि आप यार कैसे। तो आज की वीडियो में बाबा ना अपन प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, जो यार अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज में रह के, ऐसे स्केड्यूल वेड्यूल वाली चीज नहीं करेंगे अपन। तो जो पहली टिप है वो ये है, आई डोंट हैव अ टाइम इज अ मिथ। अब देखो बाबा ऐसा होता है कि अपन जब कॉलेज में आते हैं ना, तो अपन को अलग अलग जब असाइनमेंट ऐसा मिलते हैं तो अपन को लगता है यार मैं कहाँ से कोडिंग सीखूँ या कहाँ से कोई साइड हसल करूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बच रहा, पूरा टाइम तो कॉलेज ही मेरा चूस ले रहा है ना। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये अपने अपन ना दिमाग को अपन बहलाते हैं। रियलिटी ये है कि आई डोंट हैव अ टाइम फॉर लाइक कोडिंग, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोडिंग प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि बाबा अपने पास टाइम तो ज़रूर होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आप ये यूट्यूब पर आए हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब आपने टाइम निकाल के इस वीडियो पर स्पेंड तो कर रहे हो। अब वीडियो मत कर देना, वहां पूरी देख लेना, लेकिन आप वीडियो पे स्पेंड कर, मतलब आपके पास वो टाइम तो था, अब आपने प्रायोरिटी चूज करी कि मैं अभी आज यूट्यूब अभी चलाने वाला हूं। तो उसी तरीके से आप पूरे दिन में देखोगे ना, तो ऐसा नहीं कि कॉलेज का टाइम पूरा भर जाता है। आप यार कुछ कुछ चीजें अपने मन से करते हो, जो आप प्रायोरिटाइज कर देते हो सबकॉन्शियसली, यार ये तो करना ही, अब थोड़ा ब्रेक लूंगा ऐसे करके। तो आपका ऐसा नहीं होता है कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं था, बिल्कुल मैं कोडिंग नहीं कर पाऊं, ये था कि आपने कोडिंग को प्रायोरिटी नहीं दी थी। अब जब अपन को ये रियलिटी हिट करती है ना बाबा, तो आपको एक बार सोचने में आने लग जाता है कि यार देखो ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है कि अपने कंट्रोल में नहीं है टाइम, बात यह कि अपन प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। अब जो सेकंड टिप है वो है डेली हाइलाइट्स। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यार एक मेक टाइम बुक है, उसमें मैंने पढ़ा था। अब इसमें क्या करना रहता है ना, कि आपको यार दिन चालू होने के पहले ही बस एक ऐसा टास्क चुन लो जो आपको यार पूरे दिन खत्म होने के बाद अकम्प्लिश करना है। अब ये जब आपने लिख लिया ना, तो आपके दिमाग में क्लियर है कि ये वाला टास्क है, जो यदि मैंने नहीं करा तो यार मेरे को ना रात में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लग जाएगा कि यार ये तो करना ही चाहिए था आज, ये सबसे बड़ा मेन मेरा गोल है। तो वो यदि आपने एक बार लिख लिया, तो आपने क्या करा यार बाबा, आपने एक प्रायोरिटी सेट कर ली, यार ये वाला टास्क सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे है। तो ये बहुत ज़रूरी कि आप एक डेली हाईलाइट चूज करो, एक, ऐसा नहीं कि उस डेली हाईलाइट में आपने 4-5 चीजें लिख दी, क्योंकि फिर क्या होता है जितनी बड़ी अपनी लिस्ट होती है और अपन नहीं कर पाते तो उतना ज्यादा अपन को रिग्रेट होता है और फिर अपन वो चीज कंटिन्यू करना बंद कर देते हैं। तो डेली हाईलाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सिर्फ एक चीज ऐसी लिखनी है जो आपको पूरे दिन में अकम्प्लिश करनी है, ठीक है। अब जो तीसरी टिप है वो ये है पार्किंसंस लॉ। अब ये पार्किंसंस लॉ ये कहता है यार कि वर्क जो है ना, वो एक्सपांड करता है अपने आप को जितना भी आप उसको टाइम एलोकेट करोगे। इसका क्या मतलब है, तो फॉर एग्जांपल अपन को यार कोडिंग करनी थी और आज अपन को 5 क्वेश्चन देखने थे। अब आपने ऐसा सोचा ना कि यार मैंने पूरा दिन है और पूरे दिन में मैं 5 क्वेश्चन कर लूंगा, तो आप देखना आप पूरा दिन लगा दोगे उन 5 क्वेश्चन को करने में, आराम आराम से ढीले ढीले करके कोडिंग करोगे, फिर ब्रेक लोगे, फिर थोड़ी बकचोदी करोगे, फिर थोड़ा हंसी मजाक करोगे, ऐसे करके आप निकालोगे और आपको पता नहीं चलेगा कि पूरे दिन में आपको 5 क्वेश्चन कराए। अब कॉन्ट्री में यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके एक आर्टिफिशियल डेडलाइन लगा दी, आपने उस टाइम को कम कर दिया, तो आप देखोगे कि उतने ही टाइम में आप उस वर्क को कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि वर्क ऐसी चीज है जो यदि ज्यादा टाइम दे तो ज्यादा टाइम लेके कंप्लीट होगा, कम टाइम दिया आपने तो उस कम टाइम में ही कंप्लीट होने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना है ना बाबा, आर्टिफिशियल डेडलाइन का इस्तेमाल करना है। अब अपन भी देखते होंगे यार, जब अपन को असाइनमेंट भी कब अपन सबमिट करके लिखते, जब एकदम डेडलाइन आने वाली रहती तो अपन को मौत आती कि आज तो भाई फटाफट फटाफट लिख के देना है, क्योंकि अब डेडलाइन खत्म होने वाली। तो उसी तरीके से जब भी आपको ये जो डेली हाईलाइट वाला टास्क करना है, जो सबसे मेजर टास्क करना है, उसमें आप एक आर्टिफिशियल डेडलाइन डाल देना, तो उससे क्या होगा ना कि आप एफिशिएंटली उस काम को करोगे। अब जो फोर्थ टिप है वो है इनडिस्ट्रैक्टेबल स्लॉट। अब इसका क्या मतलब है, तो अपन को यार कॉलेज में ना जितना आप शेड्यूल करोगे, कि बहुत ज्यादा चीजें रैंडम भी होती है कॉलेज में, तो उतना दिक्कत होता है, तो आपको यार शेड्यूल पे ध्यान नहीं देना है, अपन को क्या करना है कि इनडिस्ट्रैक्टेबल एक स्लॉट बस अपन को देखना है कि पूरे दिन में अपन कहां पे लगातार फ्री हो सकते हैं 1-2 घंटे के लिए। जब आपका कॉलेज है ना, तो आप 1-2 घंटे भी निकाल लो ना कॉलेज के साथ, तो उतना आप यदि समअप करोगे लॉन्ग रन में, तो अच्छा खासा आप कुछ भी कोई भी स्किल सीखना चाह रहे हो तो सीख लोगे। तो आपको क्या करना है यार, यदि आप फॉर एग्जांपल यदि लेट सोने वाले बंदे हो, तो आप देख लो कि रात में कोई ज्यादा बंदे भी नहीं आते, कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता, तो मैं रात में 2 घंटे निकाल लूंगा जो मेरी डेली हाईलाइट है कंप्लीट करने के लिए। या यदि आप जल्दी सोने वाले बंदे हो, तो आप सुबह उठा सकते हो, क्योंकि सुबह बहुत लोग नहीं होते हैं। और यदि आप लोग बाबा हॉस्टल में होते हो, यार हमारे में तो क्या होता था कि भाई आप कमरे में ही 2-3 जन रह रहे हो, तो यार कुछ ना कुछ तो टाइम पास होने लग जाता है, कोई अपनी बातें बताने लग जाता है, तो उसके लिए
आपको क्या करना है ना कि इन डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको यार आप लाइब्रेरी चले जाओ। अब लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको शांत बैठना पड़ेगा वहां पे, फिर आपका कोई आप चीजें ज्यादा बातचीत कर नहीं सकते, तो आपको यार फोकस करके अपना वो डेली हाईलाइट ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्या होता है ना कि यदि आप 100% फोकस से आप यदि एक दो घंटे भी काम कर लेना, वो इक्विवेलेंट होगा कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम पास करते करते एक कोई टास्क करो, क्योंकि वो फिर 4-5 घंटे ले लेगा। तो अपन को बस एक दो घंटे चाहिए जिसमें आपका डिस्ट्रैक्शन सबसे कम हो, आप मोबाइल कम से कम यूज करो, आपके दोस्त ज्यादा बातचीत ना करें, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो इसीलिए आप बस जहां आपको स्लॉट दिख रहा है एक दो घंटे का, आप निकाल के अपने हिसाब से कर लो। अब जो फिफ्थ टिप है वो है लर्न टू से नो। अब भाव मेरे को भी पता है यार ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब अपन को मना करना पड़ता है ना अपने दोस्त या किसी को, तो यार अपन को बुरा लगता है कि यार मैं इतना रूड क्यों हूँ यार, वो मेरे से यदि पूछने आया तो नहीं कैसे बोल दूँ यार उसको एकदम ऐसे से। बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब अपना वो डेली हाईलाइट वाला और जो वो इनडिस्ट्रैक्टेबल स्लॉट है ना, उसमें यदि कोई आ रहा है तो आपको यार उस समय मना करना है, ठीक है। उस समय भी यदि आप मैनेज करने लगे ना तो अपने पास फिर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कभी भी ना फिर हमेशा यही रोगे कि यार मेरे को तो पता ही नहीं चलता, कॉलेज में टाइम ही नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे मैनेज करूँ, कुछ होता नहीं है। बट यार उस समय अपन को नहीं बोलते आना चाहिए। अब यह आपकी पर्सनैलिटी में नहीं होगा कि यार मैं मना नहीं कर पाता, बट आपको यार ये सीखना पड़ेगा, आपको थोड़ा तो रूड होना पड़ेगा। और यदि जो आपके असली दोस्त है ना वो समझ भी जाएंगे यार कि हाँ चलो अभी अभी मना कर रहा है, उसके बाद तो चलता ही है हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है। अब जो सिक्स्थ टिप है वो है यार One step rule. अब बाबा ये काफी हेल्पफुल टिप थी मेरे को जब मेरे को पता चली थी कि यार अपन को क्या रहता है ना कि अपन सोचते हैं कि यार भाई साहब आज कोडिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन यार उस दिन ना आपका मन सा नहीं हो रहा है यार कि यार आज करने का ही मन नहीं हो रहा, आज ऐसा लग रहा है कि मैं लेटे रहूं या इंस्टाग्राम ही स्क्रोल करूं। तो उस समय आपको क्या करना है ना कि आपको बस ये देखना है कि यार आप उसका बस एक छोटा सा स्टेप आप अपने दिमाग में बोलोगे यार भाई जैसे कोडिंग करना है ना, तो भाई आज मैं बस एक क्वेश्चन करूंगा, बस एक क्वेश्चन के अलावा नहीं करूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन करने बैठ जाता हूं। अब इससे होता क्या है ना कि इवेंचुअली जब आप वो एक छोटा सा स्टेप करने जाओगे तो आप क्या करोगे ना, या तो आप वो एक स्टेप करके हो जाओगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने आज कोडिंग नहीं करी, या तो जब आप एक क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो फिर आपका फ्लो बन जाएगा और जो आपने टारगेट लिया 4-5 क्वेश्चन करने का आप वो कर लोगे। अब पर्सनली यार मैंने ये फोर्थ ईयर में काफी ज्यादा अप्लाई करा था, हर्ट मी बुक से मैंने ये चीज पढ़ी थी। तो अब मेरे को क्या था ना यार मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था, 95-96 हो गया था, और मेरे को ना रनिंग करने आना रहता था। अब कुछ कुछ दिन तो जोश में जाते थे कि भाई वजन कम कर लेंगे, लेकिन कुछ दिन ऐसे लगते थे यार भाई आज नहीं जाना यार। तो यार उसमें क्या करना रहता था ना यार कि आप जाके बस आपको एक राउंड लगाना है, तो मैं बस ग्राउंड में जाऊं एक राउंड लगा लूं उसके बाद आ जाऊंगा और कोई नहीं है, तो मैं ऐसा ही करता था। और फिर जब मैं एक राउंड लगाने आता था तब मैं सोचता था यार एक राउंड तो लगा ही ले, अब लगा ही ले तो 10 राउंड लगाना रहता था, तो 10 राउंड लगा के आ जाता था। तो ये पर्सनली बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये एक छोटी सी टिप। तो आपको जब भी ऐसा लगे ना कि आज नहीं करने का मैंने, आप बस बोलो एक जो छोटा सा कोई सा भी स्टेप है वो मैं कर लेता हूं, बस उसके अलावा नहीं करूंगा यार भाई साहब। अब जो सेवेंथ टिप है वो है यार ट्रैकिंग आइडियोलॉजी। अब ये जो चीज़ है ना वो यार मेरे सीनियर ने मेरे को समझाया था। अब होता क्या है कि आपने सोचा है कि मैं रोज बैठ के कोडिंग करूंगा 2-2 घंटे, ठीक है, यही मेरी डेली हाईलाइट भी है मान लो। तो यार अब आप बैठने लग गए कोडिंग करने के लिए, लेकिन यार फिर हुआ कि यार आपकी कोई सोसाइटी हुई या सोसाइटी में इवेंट हुआ या कहीं आपको बाहर जाना पड़ गया, तो आप 2-4 दिन के लिए गए, आप 2-4 दिन के लिए कोडिंग नहीं कर पाए, लेकिन सब आप वापस आए तो अब आपको लग रहा है यार मेरी तो वो स्ट्रीक जो चल रही थी कि मैं रोज कर रहा हूँ अब वो तो टूट गई यार, अब क्या कोडिंग वापस से कंटिन्यू करूँ, आपको रिग्रेट लग गया, फिर आपको लग रहा है ना वापस करूंगा दिक्कत आएगी, ऐसा है वापस से डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको यार ये ट्रैकिंग आइडियोलॉजी याद रखना है। ट्रैकिंग आइडियोलॉजी क्या कहती है यार, अपन जब यार बाबा ट्रैक पे जाते हैं ना तो अपन ट्रैकिंग कैसे करते हैं, ऐसा थोड़ी करते कि नीचे चालू है सट 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 करके ऊपर चोटी पे एकदम पहुंच जाएंगे। अपन क्या करते हैं यार पहले धीरे धीरे करके चढ़ते, फिर एक लेवल पे आते, फिर वहां पे यार आप क्या करते हो फोटो खिंचाते हो, आप नेचर को देखते हो बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर फोटो वोटो खिंचा के थोड़ा रेस्ट करा, फिर आप वापस से चलना चालू करते हो, फिर थोड़ी देर पे आप रुकते हो फोटो खिंचाते हो। तो उसी तरीके से जब आपने यार कोई एक गोल लिया है कि भाई आप 2 घंटे कोडिंग करोगे, तो यार जब आपने बीच में ब्रेक लिया है ना तो उसको आप ऐसा समझो कि आपकी ये पूरी एक जर्नी चल रही है मान लो प्लेसमेंट तक की, और उसमें आपने बीच में एक ब्रेक लिया है, अब वापस से आपको फिर खुशी खुशी कोडिंग चालू करनी है। ऐसा नहीं समझना यार कि अब ये भाई ब्रेक ले लिया सारा मोमेंटम टूट गया, मैं तो प्रोडक्टिव हुई नहीं, मैं जिंदगी में जो सोचता हूं कि लगातार करना है वो तो कर ही नहीं पाता, तो ये सब सोचने में आ जाते हो ना तो आप फिर वैसे ही स्टार्ट नहीं करते हो। लेकिन आप इसको इस तरीके से देखो कि यार बहुत अच्छा ब्रेक लिया था, अब वापस से ट्रैक चालू करना है अपन को, तो आप यार अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाओगे। तो ये थे यार बेसिकली जो 60 टिप्स जो मेरे को काफी
काफी ज्यादा हेल्पफुल लगते थे जब मैं टाइम मैनेज करता था पर्सनली। बाबा ना तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम मैनेज करता हूँ ऐसा कुछ है, बट हाँ इतना है कि यार आप अच्छी तरीके से कॉलेज ऐसा टाइम है जहाँ पे आप बहुत टाइम निकाल के अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो, साथ में एकेडमिक्स भी संभाल सकते हो। तो आप इन सिंपल टिप्स को अप्लाई करने, सिंपल टिप्स है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो आप इसको अच्छे से करो बाबा और साथ में अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करो ताकि आपकी कॉलेज लाइफ एकदम होलसम हो, यही अपने इस चैनल का गोल है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।